देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजस्थान रोडवेज का ये आधुनिकतम बस स्टैंड है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये जोधपुर की जनता को सौगात दी गई है। ये RSRDC के द्वारा निर्मित था, एक्चुअल में नोडल एजेंसी RSRDC थी और RSRDC ने अच्छा काम किया, इसको बना के तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 28 तारीख को इसका संध्या तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, जनता की, जोधपुर की जनता को ये सुविधा हो जाएगी। और इसमें सारी चीज़ें जो हम आधुनिक बस स्टैंड में चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। सेंट्रलाइज AC है, फूड कोर्ट है, कैफेटेरिया है, होटल रेस्टोरेंट सब है, इसमें शॉप्स है और जनता को एक फील गुड एहसास होगा इसमें। अच्छा सर, कितनी बसें एक साथ खड़ी रह सकती है? एक साथ 21 बसें खड़ी रह सकती है इसमें। और इसमें हमने अलग अलग सेग्रीगेशन किया है, प्लेटफॉर्म डिलक्स के लिए स्पेशल हमने रखा है 4 प्लेटफॉर्म जो डिलक्स बसेस के लिए रहेगा और बाकी जो है अभी बस पे उसमें डिफरेंट जो भी रूट्स है उसकी बसेस खड़ी रहेगी, तो 21 बसें एक साथ खड़ी रह सकती है इसमें। अच्छा, कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी इसके साथ ही? अब नई कनेक्टिविटी का तो अभी तक कोई है नहीं, एक्चुअल में बस स्टैंड नया हुआ है, रूट कोई नया नहीं है, तो जहाँ पे अभी बसेस ऑपरेट हो रही है वो बस यहाँ से ऑपरेट होने लग जाएगी। जयपुर है, दिल्ली है, हरिद्वार, गुजरात है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे यहाँ से बस है। पश्चिमी राजस्थान का द्वार कहे जाने वाले जोधपुर में 38 करोड़ की लागत से ये जो रोडवेज बस स्टैंड बनाया जा रहा है, इस बस स्टैंड का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पर बहुत ही अत्याधुनिक जो है अत्याधुनिक सेवाओं से लैस है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर वक्त 21 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर खड़ी रह सकती है। साथ ही आपको बता दें कि फुट ओवर ब्रिज और कॉरिडोर भी इसी के इंक्लूड है, साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ये अत्याधुनिक बस स्टैंड तैयार किया गया है। ये बिल्डिंग फाइनल टच पर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहाँ पर डिलक्स बसों के साथ साथ अन्य बसें भी ग्राउंड फ्लोर और फ्लोर पर जो है खड़ी रहेगी। आप देख सकते हैं कि ये अत्याधुनिक बस स्टैंड है, यहाँ पर पहले सब्जी मंडी हुआ करती थी, उस जमीन को रोडवेज के द्वारा लिया गया और यहाँ पर अत्याधुनिक बस स्टैंड तैयार किया गया। ये जो तैयारियाँ जो चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है 28 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों के लिए बहुत बढ़िया सुविधाएं शुरू हो जाएगी, जिससे हर समय यहां पर बसें अवेलेबल मिलेगी। पंजाब केसरी TV के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी।